बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको डिजाइनिंग ट्राउजर का तरीका सिखाऊंगी और इसमें मैंने शलवार की जितनी लेंथ आपको रखनी हो उसमें से आपने 5 इंच कम रखनी है। 5 इंच का जो पीस होगा वो हमने डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और इसमें मैंने 3 पिनटेक्स के लिए क्रीज लाइन बनाई थी, 2 सिलाइयां मैंने लगा दी हैं, 1 सिलाई रहती है पिनटेक्स सिलाई है, वो मैं लगाना आपको सिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ तक तो हमारी सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद फिर हमने ये वाली ज्वाइंट लेस पीस में इस्तेमाल करनी है और डिजाइनिंग के लिए हमने जो 5 इंच का पीस इस्तेमाल करना है वो मैंने सिंगल कटिंग नहीं किया है बल्कि मैंने 10 इंच का पीस कटिंग किया है और सिलाई के लिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है। टोटल मेरे पास 12 इंच का पीस है और चौड़ाई का हिसाब जो है वो हमने अपने 5 इंच के हिसाब से रखा है। और इसी से मैंने इस पे 1-1 इंच के फासले से पिनटेक्स के लिए क्रीज लाइन ये बना दी है और अब बनाए हुए क्रीज लाइन पर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसको सेंटर से यूं फोल्ड कर देना है और 2 पीस अलग अलग कर देना है। एक हमारे 1 पांचे में इस्तेमाल होगा, एक हमारे दूसरे 5 में इस्तेमाल होगा। और जब भी आप डिजाइनिंग बनाए और इस तरह का डिजाइन हो तो आप उसे एक साथ ही क्रीज लाइने बनाए, एक साथ ही सिलाइयां लगाए और एक साथ ही फिर इस दोनों पीस की कटिंग करके दोनों 5 के लिए अलग कर ले। इस तरीके से फिर ये होता है कि हमें अलग अलग निशानात नहीं लगाने पड़ते, अलग अलग से हमें इसमें क्रीज लाइन नहीं बनानी पड़ती और अलग से हमें सिलाई लगानी नहीं पड़ती, तो इससे काम जल्दी हो जाता है। ये ट्राउजर मैं सिलाई कर रही थी लेकिन फिर जहन में ये आया कि चले आप लोग के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ, तो जो सीखना चाहे वो इससे इस डिजाइन में सीख सकता है और इस तरह का डिजाइन अपने लिए भी सिलाई कर सकता है। 2 सिलाई मैं पहले लगा चुकी हूँ और अब एक और पिनटेक्स की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये 3 सिलाई जो मुकम्मल हो जाएगी तो डिजाइनिंग पीस में हम सिलाई लगाएंगे। पिनटेक्स वाली सिलाई जब भी आप लगाए तो किनारे के साथ लगाए, जितने किनारे के साथ लगी हुई होगी इतनी ही फिनिशिंग से नजर आएगी। तो ये रही हमारी 3 सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं डिजाइनिंग पीस में भी पिनटेक्स वाली सिलाई लगा लेती हूँ। तीन पिनटेक्स मैं डाल चुकी हूँ इसमें और अब इसी तरीके से हमने ये पूरे कपड़े पे पिनटेक्स डालनी है। पिनटेक्स लगाते वक्त बस इस चीज का ध्यान देना है किनारे से सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे से ध्यान ये देना है कि ना तो सिलाई नीचे उतरे और ना ही अंदर की तरफ जाए। फिर सिलाई लगाए तो एक हाथ से कपड़े को आपने पीछे से पकड़ना है और एक हाथ से आपने आगे से रखना है ताकि कपड़े और सिलाई दोनों में छोड़ ना आए। हमें चौकोर पीस कटिंग करना है 1.5 इंच के नाप से और इसको यूं मिला के ट्राइंगल बनाना है और इसी से इसे अच्छे से बिठा देना है। इस तरीके से मैंने ये ट्राइंगल्स बना लिए हैं और इस पर भी हमारी पिनटेक्स वाली सिलाइयां लग चुकी हैं और जो 1-1 इंच का हमने गैप छोड़ा था उसी के बीच में हमने ये ट्राइंगल रख के सिलाई करने हैं। ख्याल रखना है कि दोनों लाइनिंग के बीच में ट्राइंगल की नोक आए, एक के बाद एक करके ये ट्राइंगल हम लगा लेंगे इसमें। एक के बाद एक करके ये ट्रायंगल मैंने लगा दिए हैं इसमें और इसी तरीके से हमने इस पूरी पट्टी पे ट्रायंगल आगे तक मुकम्मल कर लेने हैं। ट्रायंगल हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, आगे तक पूरी पट्टी पे लगा दिए हैं और अब इसे हम ज्वाइंट लेस के साथ सिलाई करेंगे। इसमें ज्वाइंट लेस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ज्वाइंट लेस को मैंने इसके साथ सिलाई कर लिया है और अब हमने इस ज्वाइंट लेस को ऊपर की तरफ यूं फोल्ड करना है, साथ में ये ट्रायंगल्स को भी ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि ये एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है ये नीचे की तरफ दब जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर एक लब की सिलाई लगानी है। अब ये ऊपर की सिलाई हमारी इस पे लब सिलाई लग चुकी है। अब इस ज्वाइंट लेस को हमने इस शलवार के 5 के साथ हमने सिलाई करना है, चाहे आप अपने लिए शलवार सिलाई करना चाहे चाहे ट्राउजर, ये डिजाइन आप इसमें बना सकती हैं। तो अब यहाँ से हमने रखना है और ज्वाइंट लेस के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है।
ज्वाइंट लेस को मैंने इसके साथ सिलाई कर लिया है और अब इसके साथ हमने 5-6 पे लेस लगानी है। अभी लेस के साथ हम सिलाई लगाएंगे। अंदर फोल्डिंग के लिए मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसके ऊपर रख के हमने एक सिलाई लगानी है और फिर एक्स्ट्रा को जितना ये कपड़ा इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। एप्लिक रखकर मैंने लेस पर सिलाई लगा दी है और अब अंदर की तरफ जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड करने से पहले इस पर इस्त्री से अच्छे से बिठा देना है। इस साइड से भी इस्त्री करनी है और फिर उसके बाद अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे अंदर की तरफ यूं फोल्ड करना है और उसके ऊपर एक फाइनली सिलाई लगाएंगे और फिर जितने 5-6 की चौड़ाई हमें चाहिए उसी हिसाब से हमने 5-6 की फिटिंग का निशान लगा के सेंटर की सिलाई लगानी है। उम्मीद है आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपकी और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कर ले ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। इंशाल्लाह अपनी नई क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।